लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय लोकसभा के स्टैंडिंग प्रोग्राम में भारतीय वन सेवा के ट्रेनिंग ऑफिसर का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब सब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विशाल लोकतंत्र, विविधता वाला हमारा देश, विविध हमारी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान और सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाला दुनिया के अंदर भारत एकमात्र लोकतंत्र देश है। जहां इसकी विशालता है वहां विविधता है, वहीं इसकी संविधान की मर्यादा है। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, भारत की जनता का संविधान पर विश्वास, भरोसा और संविधान में भारत की हर व्यक्ति की संप्रभुता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। और इसलिए हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति और जनता के द्वारा जनता का शासन, ये हमारे संविधान की विशेषता है। और इसीलिए आप जब इस लोकतांत्रिक देश के अंदर भारतीय वन सेवा अधिकारी के रूप में अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भारत की विविधताएं, वहां की प्राचीनतम संस्कृति और किस तरीके से भारत के अंदर जैव विविधता से लेकर हम पशु की पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, पेड़ की पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, इसलिए आध्यात्मिक रूप से भी और हमारी संस्कृति के अंदर भी वन संरक्षण करना हमारी नैतिकता हमेशा रही है। हमारी प्राचीनतम संस्कृति के अंदर वनों से हम किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को हमने बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उस समय हमारे प्राचीनतम दृष्टिकोण से वनों को बनाना, वनों के आधार पर पर्यावरण को संरक्षण करना, जीवों की सुरक्षा करना, जंगलों के अंदर जंगली जानवरों की सुरक्षा करना, ये सब हमारी कहीं न कहीं प्राचीनतम संस्कृति का हिस्सा रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र हमने आजादी के बाद नहीं सीखा है, लोकतंत्र हमारा प्राचीनतम है और दुनिया के मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत की है। और जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे जीवन के हिस्से रहे हैं, जो हमारी संस्कृति रहे हैं, संस्कार रहे हैं, कार्य प्रणाली रही है, व्यक्ति के जीवन जीने की कार्यशैली रही है, उसको ध्यान में रखते हुए नए परिप्रेक्ष्य में आपको काम करना है। क्योंकि दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन एक चुनौती बन चुका है, लेकिन भारत ने हमेशा हमारी संस्कृति आध्यात्म में विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखा है।
लेकिन कई समय आता है कि विकसित देशों के भौतिक संसाधनों की अत्यधिक प्राप्ति के कारण नई औद्योगिक क्रांति लाने के कारण कहीं न कहीं भारत के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ा और इसलिए भारत ने जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष चिंता व्यक्त की है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण और जल परिवर्तन जलवायु के लिए हर सेमिनार के अंदर भारत को अग्रिम पंक्ति पर रखकर नेतृत्व किया है और देश के अंदर किस तरीके से हम पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जीव संरक्षण के लिए प्राचीनतम काम करते रहते थे और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जीवन जीने की शैली ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने जीवन का। इसलिए आज इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर भी जलवायु परिवर्तन विषय पर भारत नेतृत्व कर रहा है। भारत की संसद ने भी कई इंटरनेशनल फोरम पर जो हमारी चर्चा हुई, संवाद हुआ, जिस तरीके से पूरी संसद ने सामूहिकता के साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर चिंता की और सामूहिकता के साथ हम हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर जलवायु परिवर्तन हमारा हिस्सा होना चाहिए, इसके लिए संकल्प लिया, तो हमारी सामूहिकता की शक्ति और सामूहिकता के साथ काम करना, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, ये भारत की संसद ने संकल्प लिया और ये चीजें हमने इंटरनेशनल फोरम पर भी बताई कि किस तरीके से भारत ने पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के विषय को लेकर दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, काफी लंबी चर्चा की और सभी माननीय सदस्यों के विचारों से संसद अवगत हुई, सरकार अवगत हुई, ताकि हमारी कार्य योजना और नीति ऐसी बननी चाहिए जिससे कि हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें और जलवायु परिवर्तन को ठीक से मेंटेन कर सकें और उसके साथ साथ विशेष रूप से हम वन को संरक्षण कर सकें। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे सामाजिक रूप से भी वन संरक्षण के लिए पेड़ लगाने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा हो चुका है। कई लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और कई आने वाले समय के अंदर जो जिस तरीके का आंदोलन बनता जा रहा है, हम हमारे 23% से ज्यादा इलाके के अंदर हमारे जंगल को बचा सकें और जंगल के एरिया को बढ़ा सके, इसके लिए व्यापक रूप से काम चल रहा है। तो आप जब संसद में आए तो आप संसद के अंदर जो भी वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन पर जो भी डिबेट हुई है, चर्चा हुई है, उसका आप अध्ययन करेंगे, जो नीतियां पॉलिसी बनी है उनका अध्ययन करेंगे, कानून बने हैं उनके अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये भारत के अंदर बहुत पहले से इसको लेकर 1864 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी। तो आप देखेंगे संसद में हमारे पास 1860 से रिकॉर्ड पड़ा है, उस समय किस विचार से इसकी विभाग की शुरुआत हुई थी, क्या इसकी नीतियां थी, क्या पॉलिसी की, क्या काम था और उसके बाद समय समय पर इस देश के अंदर किस तरीके के कानून बने, नीतियां बनाई, पॉलिसीज बनाई, इसका सब आप जब संसद में अध्ययन करेंगे
तो आपकी जो कार्य प्रणाली उसमें और कार्यकुशलता आएगी। हमें कानून का अध्ययन भी होना चाहिए, कानून का ज्ञान भी होना चाहिए और उसके साथ व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कानून के आधार पर चलकर हमारे सारे सिस्टम को ब्रेक कर दें वो भी ठीक नहीं है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हमारे मन मस्तिष्क का हिस्सा होना चाहिए। इससे कानून का अध्ययन भी हो, समय समय पर जो डिबेट चर्चा हुई है, जो आशंका जनप्रति ने जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त की है वो भी हमारे ध्यान में रहे और उसको मेंटेन कर हम हमारे लक्ष्यों को पूरा करें और किसकी जीवन को अवरोधक भी नहीं करें, किसी के कार्य को अवरोधक भी नहीं करें। ये हमारे को बहुत दो चुनौतियों पे हमें लड़ना पड़ता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि आपसे निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और आप अपने कानून के हिसाब से चर्चा करेंगे, दोनों चीजें रहेंगी, लेकिन आपको एक अच्छा अधिकारी वह है कि वह जिस ड्यूटीज के लिए है, जो उसके करते हुए दायित्व उनको भी निभाता रहे, और सामान्य व्यक्ति जो जंगल में रहता है, जो वर्षों से उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है, उसकी लाइफ को, लाइफ स्टाइल को परिवर्तन करते हुए उसके बेहतर जीवन प्रबंध को कैसे कर सकते हैं कि वो जंगल में रहकर अपनी आमदनी को बढ़ा सके और जंगल को संरक्षण रख कर सके। अगर उसके मस्तिष्क में आ जाएगा कि जंगल मेरी आजीविका का साधन है, मुझे जंगल को बचाना है, तो आपको बिना कानून के प्रयास करे हुए जंगल भी बचेगा, जंगल लगाने का काम भी होगा और उसके साथ साथ उसके आजीविका को देकर आप उसको आर्थिक स्वावलंबन करने का भी काम करेंगे। और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे दुनिया के अंदर भारत के जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं, उन फॉरेस्ट के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम आयुर्वेद के अंदर नए नए रिसर्च कर रहे हैं, उसके अंदर आवश्यकता पड़ रही है, तो हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट को भी किस तरीके से नया इंक्रीज कर सकते हैं। आप नए अधिकारी हैं, नए रिसर्च करना जानते हैं, नए इनोवेशन है, नई सोच है आपको कि उस जंगल में जंगल को बचाते हुए किस तरीके से फॉरेस्ट प्रोडक्ट को का वैल्यू एडिशन कर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको उस जंगल में रहने वाले व्यक्ति का आय का साधन बना सके। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। और उसके साथ साथ हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां जो विशेष रूप से पर्यटन का साधन बन चुकी है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी हम किस तरीके से वहां पर रहने वाले लोगों को रोजगार देकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं और नई तकनीकी, नई वैज्ञानिक सोच, नए कुशल प्रबंध से हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो आप पहले तो कोई जमाना था जंगल में कितने पेड़ लगे कोई गिनने वाला नहीं था, अब टेक्नोलॉजी आ गई, आप कितने पेड़ लगाए, कितनी एक साल की स्थिति है, फिर दो साल की क्या हालात है, तीन साल के हालात क्या है। अब टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट सिस्टम से आप जो जंगल लगाते हैं उस जंगल को संरक्षण कर सकते हैं। आप भूटान के हमारे अधिकारी यहां पर हैं, आप देखो भूटान देश एक ऐसा देश है जिसने हमेशा अपने आप को प्रकृति के नजदीक रखा है। आप वहां देखेंगे कि वहां हर काम, हर जीवन का हिस्से में प्रकृति उनकी पूजक के रूप में है और उन्होंने उसको सबसे नजदीक रखा है। हम भी प्रकृति की पूजक रहे हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, जानवर हम की पूजा करते हैं, तो हमारे जितने भी आध्यात्मिक रूप से हैं उसमें कहीं ना कहीं शेर पर जब माता बैठेगी, तो इस तरीके से कई उदाहरण है कि जिससे कि व्यक्ति इनका संरक्षण करता रहे। उसके पीछे उस समय मानसिकता थी कि पेड़ न काटना, उसका अगर हम धर्म से जोड़ देंगे तो पेड़ काटते समय लोग कहेगा नहीं पेड़ काटेंगे, इसकी जीव को काट रहे हैं, हमें पाप लगेगा, पक्षी को
दाना डालना, उसको पानी डालना, ये हमारे जीवन के हिस्से रहे हैं। इसलिए तो प्रकृति के नजदीक भारत हमेशा रहा है। इसलिए हमें व्यवहारिक रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप 3 दिन तक यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ के रिसर्च विंग का अध्ययन करेंगे, यहाँ की डिबेट चर्चाओं का अध्ययन करेंगे, यहाँ जो जो समय समय पर कानून परिवर्तन हुए, लेकिन कानून परिवर्तन करने के पीछे क्या मंशा रही, क्या लोगों की चर्चा रही, उस डिबेट को पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी कार्यकुशलता और आपका वन प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टि से और अच्छा होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।